जो कमली वाले दुनिया तो पर्दा किया होगा उन्हों का की हाल होया होगा, जो हजूर ने दुनिया तो परदा किया उन्होंने सहाबा का की हाल होया होगा जिन्हें दिन से रात यार की दीद करने वाले। नबी करीम ने जब दुनिया तो पर्दा फरमाया ना तो सहाबा के दिल की दुनिया गुजर गई, जड़े खड़े सन वो बैठ ना सके तो जड़े बैठे सन वो उठ ना सके। कई सहाबा नबी करीम के विशाले पाक की खबर सुन के फौत हो गए। ऊंटनी जिसे नबी करीम सफर फरमाते सन ऊंटनी तीन दिन मेरे नबी की कबर को बैठ के रोंदी रही। सरकार नजरी ना आए तो उन्हें मदीना के एक कुएं से छलांग मार के जान कुर्बान कर दी। वो गदा जिसे मेरे नबी सवारी फरमाते जिसका नाम सी याफूर, तीन दिन नबी पाक को मदीने की गलियां से ढूंढता रहा। सरकार नजरी ना आए तो उन्हें मदीने की दीवारों को टक्कर मार मार के जान कुर्बान कर दी। हजरत बिलाल हबशी की हालत हो गई, सारा दिन मदीने के बाहर मदीने की गलियां चलाते फिरते निके निके बच्चों सीने ला के फरमाते ने बचे हो किधरे मेरा माही वेख्या जे। हजूर का नाम सुन के बच्चे रोंदे ने ते बिलाल हबशी रो के फरमाते ने जो किसी हजूर नजर आए ना तो मैनू बुलायो फिर मैं भी यार वेखा ना होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक की हालत हो गई, सारा दिन मदीने के बाहर खलो के रोंदे रहते हैं। शाम वेले घर आते हैं तो घर वाले पुछते हैं दिन कितने गुजारिया, तो रो के फरमाते ने मदीने के बाहर जाके रस्ते वेखता रहा और किसी राह चो मेरा माही वापस आ जाए। बिगड़ी रहमत लाल फरमा देना तुर गए दिलदार दिला दे बदनों चुके मुहारा उजड़ी बस्ती नदरी आवे कंड दिती नबी करीम दे विशाले पाक नूं चंद दिहाड़े गुजरे। हजरत बिलाल हबशी ने अजान देना छोड़ दी। सहाबा फरमांदे ने बिलाल अजान पढ़, रो के फरमांदे ने अगे अजान पढ़दा रहा अजान वाला वेखदा रहा हुण कमली वाले नजरी ना आया मेरा कलेजा फट जाएगा। नौजवानों हजरत बिलाल मदीने दियां गलियां च फिर देने सरकार नजरी नहीं आते बिलाल दियां चीख निकल जांदियां ने। वह भी वेला आया एक दिन बिलाल मदीना छड़ के मुल्के शाम वाले जा रहे। नौजवानों मदीने च कोहराम मच गया, अजे नबी दा बिलाल मदीना छड़ के जा रहे हैं। सारे मदीने वाले कट्ठे हो गए, फरमाया बिलाल मदीना छड़ के ना जाई। फरमाया गलियां सुजियां लगदियां ने, हजरत सिद्दीक अकबर ने रस्ता रोके आओ। फरमाया बिलाल मैं तेनू मदीना छड़ के नहीं जान देना। बिलाल हबशी सीने लग के कहन लगे अबू बकर जी जे अपने वास्ते खरीदया जे ते मैं नहीं जांदा, जे नबी वास्ते खरीदया जे मेरा रस्ता न रुके आ जाए मेरा माही बाज दिल नहीं लगदा। हजरत बिलाल मदीना छड़ के मुल्के शाम वाल जा रहे। नौजवान सारे मदीने वाले मदीने के बाहर रो रहे। बिलाल ने मुड़ के मदीने वाले वेखे आए, मदीने दिया खजूर के दरख्त नजरी आए। नाले रोंदे नाले फरमांदे ने उच्चिया लमियां ए लाल खजूरा ते पत जिना दे सावे किस दम नाले परी ते साड़ी सकूं यो दम नजर नया वे कलिया साकों सुंजड़ सी वन ते बेड़ा खावन आवे गुलाम फरीदा उठे की बसना जिथे यार नजर ना आवे। बिलाल रोंदिया मदीना छड़ के मुल्के शाम आ गए। किने भी या नबी दियां यादां च रोंदे ने, रात भी नबी दियां यादां च रोंदे ने। नौजवान रोंदिया रोंदिया एक रात अख लग गई, कमली वाले ख्वाब दे अंदर आ गए। नबी करीम ने फरमाया बिलाल दस मेरे नाल नाराज है।
लाल कदमन जो फवार लिया अर्ज की कमली वाले तेरे गुलामा तो भी गुलाम आओ फरमाया बिलाल दस मेरा मदीना क्यों छड़े आई अर्ज की कमली वाले तुसी नजरी नहीं आते मेरा तुहाडे बाज दिल नहीं लग जा अर्ज की कमली वाले मेरा दिल नहीं लग जा सरकार ने फरमाया बिलाल उठ बिलाल मदीने मेरा तेन मिलन जी पिया कर दाई नौजवान बिला दी अग खुल गई ये सुपने अंदर तेरा माही मिले आओ ते मैं गल विच पा लिया सावा डर दी मारी अख ना खोला किते फेर भी छड़ना जावा अद्धी रात वेल बिलाल रोंदे मदीना तैयबा वाले आ रहे अर्ज कर देने कमली वाले आओ तेरा बिलाल भी आउंदा ई नौजवान जेड़े वेले मदीने दिया दीवारा नजरी आई आओ आशिक दिया चीखा निकल गई आओ के नबी पाक दी कबर नु कलावा मार ले आओ अर्ज कर देने कमली वाले आओ उठ तेरा बिलाल लाया ई कदे मजदे नबी दी एस नु करे च जा देने कदे एस नु करे च जा देने अर्ज कर देने कमली वाले यार आज बीद करा दे सोने तेरा बिलाल बड़ी दूरों आया ही कमली वाले आप बुलाया जदीद करा दे सारे मदीना तैयबा च दोहराऊ मच गया अज नबी करीम दा बिलाल मदीने आया है सारे मदीने वाले मस्जिद नबी च कठे हो गए लोग इंज रोंदे ने इंज लगदा जिवें नबी करीम ने अज दुनिया तो परदा फरमाया है सहाबा फरमाया बिलाल तो अजान सुना दे जड़ी नबी नु सुनांदा रे आए आपने फरमाया तुसी मैनू नबी वखा दियो मैं अजान सुना देना इमाम हसन हुसैन आ गए कहन लगे चाचा बिलाल ओ अजान सुना दे जड़ी नाने नु सुनांदा रे आए बिलाल ने नबी दे दोतरे नु सीने नाल लाया नबी दे मिंबर दे सामने खलो के अजान शुरू की थी नौजवान बिलाल दी आवाज गूंजी मस्जिद नबी च चीखा दिया आवाजा आ रही लोग थाड़ा मार के रही जा रहे मैं किताबां च पढ़िया बिलाल दी आवाज गूंजी नौजवानों दुध पीते बच्चों नूं सुट के मावां रोंदियां दौड़ पईआं पर्दादार कवारियां बच्चियां रोंदियां गलियां च आ गईआं हजरत बिलाल अज़ान पढ़ देने निके निके बच्चे रोंदे ने बच्चे रो के कहंदे अम्मा बिलाल आ गया नबी कदों आउणा बच्चे भी रोंदे मावा भी गलियां च रो रही हजरत बिलाल हबशी अज़ान पढ़ते जा रहे कि टुर गया सानू कले छड़ के दस क्यों दिल पर चाहिए हिजर दिया के जड़ी लागे सीने दस चादे नाल तुझा ये आजम लोग यारानों मिल दे असी किनों सीने लाए अदाउन पढ़ दिया बिलाल जड़े वेले पढ़े आशा दो अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कमली वाले दे नाम ते आवाज़ां चीखों दियां बुलंद हो गईआं हजरत बिलाल ने अख खोल के वेख्या नबी करीम दा मिंबर खाली नजरी आया चीख मार के बिलाल बेहोश हो गए तीन दिन के बाद होश आया ऊटनी ते बह के मुल्क शाम वाल तुर पे मुड़ के नबी पाक दी कब्र अनवर वाल वेख्या ते रो के फरमा देने हिजर तेरा चे पानी मंगे ते मैं खून ना दे गेड़ा जी करदा तेन कौन बिठा के ते दर्द पुराने छेड़ा सारी जगह
सारी जिंदगी बिलाले हबशी ने फिर नबी पाक की जुदाई च मुल्के शाम गुजारी। आखिरी वेला आया ना तो हजरत बिलाले हबशी की बीवी कोल बैठ के रो रही थी, हजरत बिलाल मुस्कुरा रहे। बीवी ने पूछा क्यों तुसी हस दे हो? फरमा तू क्यों रोनी? कहने लगी मैं अपने शोहर की जुदाई तू भी रोनी है। फरमाया तू मेरी जुदाई तो रोनी है तो मैं हसना जो कबर च मेरी मेरे माही ना मुलाकात होगी। नबी पाक के विसाल तो बाद बिलाल जी ने कद ईद भी नवा सूट नहीं सिलवाया, जो वक्त आखिरी आया तो नवा सूट सिलवाया। आख्या मेरी माही ना मुलाकात होनी। हिजर दे लोग जिन्होंने माही का हिजर लगे विछोड़ा ना किसी ने पेश आवे, किसी का यार ना परदेस जावे। नौजवानों अगर मैं विसाले मुस्तफा की गल छोड़ी रखा तो फिर बड़ा दर्दनाक किस्सा शुरू हो जाना। बस नौजवान कह रहे कि सानू थोड़े जा हज़रत ख्वाजा वैसे करनी का जिक्र सुना दो, बस आखिर ते पांच सात मिनट सुन लो तो फिर मैं इजाजत चाहवा। जाग दो तो सुना देंगे भाई फोर चा बोलो सुभान अल्लाह। उस माही दे केड़े 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 आशिक का जिक्र कर जिन्ना वेख्या सी ओ भी दीवाने ते जिन्ना नहीं वेख्या 1500 साल बाद जिन्हें सिर्फ हजूर का नाम ही सुने अज भी वो नबी पाक के नाम तो भी जानों कुर्बान कर दे। साड़ियाँ मावं जमदी साढ़े कन्ना च अजान इस वास्ते सुना दी कि मेरे पुत्र दे पैदा होते कन्न च मुहम्मद की आवाज चली जाए तो मेरे पुत्र नूं पता लगे मैं आया भी मुहम्मद के नाम से वहां तो मैं जाना भी मुहम्मद के नाम से। है ना कमल एक कलमे की डोर नाल असीं नबी पाक नाल बंध गए। तेरा रिश्ता मेरा रिश्ता नबी पाक ना कैसा कलमे दी डोर ना जुड़ गया। असि इत्थे बैठे नाम आ जाए हजूर दा अज भी जाना कुर्बान हो जाती है ना। मैं इन्हें पढ़िया करना जेड़े दिन दा नाम तेरा मैं विच कलमे दे पढ़िया उसे दिन दा रूह मेरी नू प्यार तेरे लुट खड़े आ। असा जिस दिन का कलमा पढ़िया ते कलमा पहले दिन ही पढ़ लिया उसे दिन दा रूह मेरी नू प्यार तेरे लुट खड़े आ। चलो ये तुसा गल्लां सारी उन्हां दियां सुनियां जिन्हां नबी पाक नू वेख्या सी। ओ एक गल ओदी करिए जिन्हें वेख्या भी नहीं पर कायनात ओदे वर्गा दीवाना भी कोई नहीं। ओ हस्ती है हजरत ख्वाजा ख्वाजगा खैरु ताबीन सैयदुल आशिकीन इमामुल आशिकीन फनाफे रसूल हजरत ख्वाजा उवैसे करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ाते पाक। नबी करीम जब हिजरत करके मदीना शरीफ आए ना तो असर की नमाज पढ़ी। असर की नमाज पढ़ के नबी करीम ने फरमाया ओ सहाबा जरा मदीने की सैर करके आइए। मदीना तो ये बातों बाहर आके ना मशरिक वाल चेहरा अनवर किया अपनी इस तरह करके सीना के दोस्तों कपड़ा हटा के ना तो नबी पाक लंबे लंबे सांस ले रहे। सहाबा देख दे रहे। अगले दिन फिर असर की नमाज पढ़ी तो उसे मुकाम पर नबी पाक आके खलो गए। मशरिक वाल चेहरा अनवर किया सीना अकदस तो कपड़ा हटाया तो लंबे लंबे सांस ले रहे। तीसरे दिन फिर इस तरह किया। तीसरे दिन ना रहा गया तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की कमली वाले इधर की मेरे आका ने फरमाया इन्नी लअजिदु नफ्सुर रहमानी मिन क़िबलिल यमन। फरमाया इधर मशरिक है मशरिक च यमन दा शहर है ते यमन दे शहर च इक मुहम्मद दा दीवाना वसदा है। फरमाए थे आके खलोवा मैनू रहमान दी खुशबू आंदी है ते जे सियालकोटी तर्जमा करिए जुबान पंजाबी विच मेरे नबी फरमाए इत्थे आके खलोवा ते मैनू आशिक वलों ठंडियां हवावां आउंदियां ने। अल्लामा इकबाल ने इसे वास्ते फरमाया मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से मेरा वतन वही है मेरा वतन वही है। जिहड़ा पाकिस्तान है ये मदीना तैयबा तो मशरिक वाली साइड से इधर ही नबी पाक रुखे अनवर करके चेहरा करके फरमाते सन मैनू इधरों आशिकां वालों ठंडियां हवावां आउंदियां ने। अल्लामा इकबाल ने फरमाया मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से मेरा वतन वही है मेरा वतन वही है।
گرامی قدر حضرات نبی پاک کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک عاشق ہے صحابہ نو خیال آیا یا رسول اللہ اسی تواڈے پیچھے پتر قربان کر چھوڑے مکہ چھڑ کے مدینے اسی آ گئے تن من دھن اساں وارے او کیڑا جڑا کدی آیا بھی نہیں تے کملی والے مدینے بیٹھ کے پیار کری جا رہے ہو عرض کیتی یا رسول اللہ کون ہے کون ہے یا رسول اللہ کالے دے والی نے فرمایا صحابہ دیاں راتاں جاگ کے گزردیاں نے रोजे च गुजरते ने ऊंट चार यार दी सुन्नत अदाए हो जाए अर्ज की कमली वाले होर निशानी की है फरमाया साबा जद लोग रोंदे ने ओ हसदा है जद लोग हसदे ने ओ रोंदा है अर्ज की सोने होर निशानी की है फरमाया साबा दुनिया दियां गलियां चुन जान दा कोई नहीं आसमान दियां गलियां च फरिश्ते गल्लां ही होंदियां करदे ने अर्ज की सोने होर निशानी की پر میرے نبی دسیا کہ خواجہ ویسے کرنی دے ہاتھ دے تلی دے اوتے ایک سفید نشان ہے نشان دا بھی دس کے میرے نبی دسیا او میرے غلامو فکر نہ کرے آجے جیڑا نبی کیڑے دی خبر رکھ دے تے تنکے دی خبر رکھ دے غلامہ دی خبر بھی رکھ دے جیڑا غلامہ دا سلام سن دے او غلامہ دا حال نہیں جان دا میں انہوں جے پڑھیا کرنا ہوں کہ سنتے ہیں نوجوانوں کو لیندے والی بیٹھے دے مدینہ طیبہ آجنے بلکہ دا ترجمہ جے کر لینے آؤ کہ حب احمد ازل سے کسی نے میں ہے حب احمد ازل سے کسی ایسی نے میں ہے اور میں یہاں ہوں میرا دل مدینے اسی ایتھے بیٹھے ہیں تے خبر مدینے پہ پہنچ دی ہے کہ غلام محفل سجا کے بیٹھے ہیں میرے نبی ذکر چھیڑ کے بیٹھے ادھر خواجہ ویسے کرنی دے دو شام نو اونٹ چار کے گھر آندے نا تے آپ دی ماں اکھا تو نبی نہیں سن نظر نہیں سی آندا ماں دا نام سن بیدار بی بی روز آ کے تے ماں دے قدم پکڑ کے کہندے نے اماں اجازت ہوے تے مدینے نبی ویر خام ماں نے روز کہنا بے پتر تو میری کلی اولاد ہے تو ٹر گئی ہوں میں مر گئی تے مینوں کون سنبھالے گا نہ جاؤں ایسا فرما بردار ہے کہ روز ہی چپ کر جاندے تے بول دے نہیں اکھوں نہیں بول دے پانے والی والے ہو تو کھنو جوار تو کھنو والے ہو میری ملت دے نوجوانوں انہوں کہندے جے ماں دا ادب آج دے نوجوان نے بازار جانا ہوئے تھے امی تے ابو کلو پوچھ کے نہیں جانا انہیں ویکھن نبی جانا ہے تے پوچھ دا ماں کھولو روز عرض کرتے ہیں امی اجازت ہوئے تھے نبی ویکھاں آج تے ماما روندی گیاں تے باپ کر لاندے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے آج امی بلاوے نا پتر میری گل سنتے پتر کہندے رہے اماں چپ کر تینوں نہیں پتا ہے نا ادھی رات ویلے پتر گھر آوے تے ابو پوچھے نا کتوں آئے گھوری پا کے جا ابو والے ویکھ دے نا کہ ابو بیچارہ اگلی رات پوچھ دے نہیں کتوں آئے ماما روندیاں آکے تے کہنیا آسی صاحب کو تعویذ لکھ دیو آسی صاحب کو وظیفہ دو سو میرا پتر مینوں بلاندا نہیں ابو روندے میرے کو لاکے کہنے آسی صاحب کوئی وظیفہ دیو کو تعویذ دیو میرا پتر مینوں منتا بول دے میں انہاں پتراں دی گل کر جی ماں دی تے باپ دی تینوں قدر نہیں ہاری تے عید والے دن ویکھیا جی سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے خوشیاں منادہ ہوئے گا تو جنہ دیا ماما ٹور گیا نا وہ عید والے دن نوے کپڑے پا کے قبرستان جا کے تو ماما دیا قبران تے بہ کے روتے ہونے کے
उन्होंने ईद की खुशी भी खुशी नहीं दे रही, उन्होंने मां याद आ रही। रात को सराहने च सिर देख रोंदे ने, तो कहंदे ने कोई उंज बुलावे जिवें अम्मी बुलांदी सी, कोई उंज प्यार करे जिवें अब्बू करदे सी। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਆਸੀ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਜੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਕੋਈ ਯੂਰਪ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੋਠੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਬੜਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ ਦਿਲ ਦੀ ਹਸਰਤ ਹੋਵੇ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਨਹੀਂ ਆਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਹਸਰਤ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅੱਥਰੂ। ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹਸਰਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੋਠੀ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਹੱਥਰ ਮਾਂ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਠੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਹੁਣ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਸਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਦੇ ਹੁਣ ਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਹੁਣ ਅੱਬੂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਖਿਦਮਤ, ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਅਦਬ, ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾਓ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ, ਆਪਣਾ ਲਹਿਜਾ ਉੱਚਾ ਨਾ ਕਰਿਆ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਬੂ ਟੁਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਟੁਰੀ, ਤੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਤੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਬੂ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਬੈਠ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਬਹੁਤ ਹਯਾ ਕਰੀ, ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਹੂੰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੁਲਾਵੀ। ਫਲਾ ਤਕੁਲ ਲਹੁਮਾ ਉਫ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਉਫ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੂੰ ਹੈ ਨਾ ਹੂੰ ਕਰਦੇ ਹੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀ ਕਿਧਰੇ ਮਾਂ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਨਾ ਕੱਟ ਜਾ, ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਨਾ ਕਰੀ, ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ 'ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਅੰਮੀ ਤੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲ ਵਾਲਿਦੈਨ ਇਹਸਾਨ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਖਾਜਾ ਵੈਸੇ ਕਰਨੀ ਊਂਟ ਚਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਦਬਾ ਦਬਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਨਬੀ ਵੇਖ। ਮਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਟੁਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ, ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ? ਨੌਜਵਾਨੋ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਜਾ ਵੈਸੇ ਕਰਨੀ ਊਂਟ ਚਾਰ ਕੇ ਆਏ, ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਪਕੜ ਕੇ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਮਾ ਜੇ ਮਦੀਨੇ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੇਜਾ ਫਟ ਜਾਏਗਾ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਰ ਦੀ ਦੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਮਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਅੰਮਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇ ਨਬੀ ਵੇਖਾਵਾਂ, ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਂ ਨੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸੀਨੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਅੰਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਰੋਈ ਨਾ, ਜਾਓ ਨਬੀ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਆ। ਖਾਜਾ ਵੈਸੇ ਕਰਨੀ ਟੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਚਾਰ ਪੈਰ ਮਦੀਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅੱਠਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਦੌੜਦਾ ਜਾਵੀਂ ਦੌੜਦਾ ਜਾਵੀਂ। ਜੇ ਨਬੀ ਮਿਲ ਪੈ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਡੀਕੀ ਨਾ, ਤੇ ਦਿਓ ਰੱਖੀ ਮਾਂ ਵੀ ਉਡੀਕਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਣੇ ਵਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਵੈਸੇ ਕਰਨੀ ਨੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਦਬਾ ਕੇ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਥਰੂ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਅੰਮਾ ਦੁਆ ਕਰੀ ਸੋਨਾ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਧਰ ਖਾਜਾ ਵੈਸੇ ਕਰਨੀ ਟੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਇੱਧਰ ਮਾਇਆ ਸ਼ਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਜਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਆਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਵੀਂ,
जदू मदीने दिया दीवारा नजरी आईया आशिक दिया चीखा निकल गई आके दीवारा चुभदे ने मदीने की मिट्टी नू बोसे दे के सीने दे नाल लगा देने नाले कहंदे ने तेनू चुम चुम अखा नाल लावां मिट्टीए मदीने दिए तेनू चुम चुम सीने नाल लावां मिट्टीए मदीने दिए ते लख वार सदके जावां निपटिए मदीने दिए टुरे टुरे नबी करीम दे हुजरे दे बाहर आए बड़े अदब दे नाल दरवाजा खड़काया अम्मा आजा फरमांदिया कौन है रो के अर्द करन लगे अम्मा जी कुछ होवा ते दसा कौन है सारी हस्ती यार पीछे मिटा आया अम्मा आजा फरमांदिया मैं कित्थों आया अर्ज की अम्मा जी अमन चू नबी दा ओवैस आया अम्मा आशा फरमा दिया मैं किधर आया अर्ज की अम्मा जी नबी करी उन्होंने भेजा जे मैं दीद करने आया अम्मा आशा फरमा दिया मैं आने वाले आओ ते नबी दे घर कोई नहीं खाजा बैस दिया चीखा निकल गई अर्ज की अल्लाह सारी जिंदगी उड़ीका करता रहा जावगा माही वेख आवागा अज कि गुनाह ते गलती गई तेरी हाजरी क्यों नहीं कबूल हुई अपना ऐसा परमा दिया रो ना मस्जिद नबी च बैठ जाओ थोड़ी देर उड़ीक नबी आ जाते ने अर्ज की अम्मा जी उड़ीक किवें पीछे मां नबी नी भी उड़ीक करदी है अर्ज की अम्मा जी नबी ते नहीं मिले जरा परदे च हो जाओ मैं जांदी वारी ओ वेड़ा ही वेख जावा जिथे मेरा माही ऊंट दी खलदा फटिया लिबास आके निकिया निकिया चीजा चुमदा नाले रोंदा अम्मा आशा परमा दिया दी हालत वेखे मैं भी रोन लग पई और रोंदा रोंदा बाहर निकलिया दरवाजे च जाके उन्हें मुड़ के वेखे कह लगा कमली वाले आओ बड़ी दूर तेरा आशिक वसदाई मिलने आया सदर चले आओ मैं कुछ नहीं मंगदा कि कोई अर्ज कर चले जद कयामत का दिहाड़ा आवे अपने आशकों की गिनती करें बिच मेरी गिनती कर नहीं धूड़ पैर छाले ऊंट की खल का फटिया लिबास किधरों दूरों को दरवेश ही आया सरकार रो पे फरमाया वाह आने वाले आप टुट गया तो खुशबू मुहम्मद के वेड़े छड़ गया है सरकार ने साहब फरमाया दौड़ो को मेरा ओवैस ढूंढ के सहाबा बड़ा दौड़े मगर खाजा वैसे करनी मदीने दी जू चो निकल गए उधर शाम हो गई ओवैस घर पहुंच गए नबीनी मां ने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी थे अम्मा कह लगी वे ओवैस आ गया दुख नाल बोले ना गया अम्मा कह लगी नबी वेख आए रो के मां दे कदा फड़ के कह लगे अम्मा लगदा रोंदी ऐ मर जाना कहन लगी वे की होया अर्ज की थी अम्मा नबी घर नहीं मिले अम्मा कह लगी वे थोड़ी देर उड़ीक लेनो अर्ज की थी अम्मा उड़ी क्या नहीं किधरे माँ दबिया दबनायो जावा अम्मा ने कदमा तो फड़ के सीने न ला लिया माँ कह लगी रो ना जे तू माँ दा एडा फरमा बरदार है चुप
कर मां दुआ देंदी है वे वैस मां दी खिदमत करी जा तेनु मां दियां दुआवां ने सारा जग नबी दियां गल्लां करेगा नबी तेरियां गल्लां करे जदों अपना ही कख ना रह जांदा।